बात करते हैं मध्य प्रदेश के मंदसौर की, जहां तोड़फोड़ करने वाले शरारती तत्व आज पुलिस की गिरफ्त में आ गए। आपको बता दें कि मंदसौर में दिनांक 28 जून की रात्रि में मंदसौर शहर के विभिन्न स्थान पर शुक्ला कॉलोनी से लेकर काल खेत तक खड़े वाहनों एवं एटीएम को अज्ञात बदमाशों द्वारा तोड़फोड़ कर क्षति पहुँचाई गयी थी। उसी को लेकर आज दो आरोपियों को पकड़ा गया, जिसमें हनी सोनी 19 वर्ष और कुलदीप सिंह 19 वर्ष को पकड़ा गया। इन दोनों आरोपियों ने कबूल किया कि हमने शराब पी कर तोड़फोड़ करी। इस घटना में प्रयुक्त वाहन को भी जब्त कर लिया गया और बताया जा रहा है कि इसमें एक आरोपी पूर्व में लूट और हत्या का आरोपी रहा है। इस घटना को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने कोतवाली के बाहर धरना भी दिया था। उसके बाद जिले के पुलिस कप्तान मनोज सिंह ने मोर्चा संभाला और लोगों को जल्द आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन दिया था। आरोपी है क्या मामला? ये मंदसौर में एक दिन पूर्व जो है 38 वाहनों में तोड़फोड़ की गई और साथ ही एक एटीएम को भी नुकसान पहुंचाया गया। इसमें पुलिस विवेचना के दौरान और मीडिया के सहयोग से दो आरोपियों को पकड़ा गया है, जिन्हें आपके समक्ष पेश किया गया और इसमें एक का नाम स्वप्निल सोनी है और दूसरे का नाम तोमर है, उनको अरेस्ट किया गया। वहाँ के रहने वाले थे क्या, तो जिनका बैकग्राउंड? दोनों अभिनंदन नगर के रहने वाले हैं, युगपाल सिंह और स्वप्निल सोनी, दोनों अभिनंदन नगर के रहने वाले हैं। इस तरह इनको जवाब में आया और क्या इन्होंने कहा है कि इस तरह से इसमें स्वप्निल सोनी जो है पूर्व में एक मर्डर कर चुका है और जो ये लोग पूर्व में भी कुछ अपराधों में शामिल रहे हैं और उनका ये कहना है कि हम लोगों ने उस दिन ड्रिंक की और ड्रिंक करने के बाद हम लोगों ने वाहनों में चोट पहुँची। पूर्व में इनका कोई रिकॉर्ड रहा? स्वप्निल सोनी ने एक मर्डर केस में ये आरोपी रहा है और ये 2 साल सुधार गृह में बंद भी रहा है। सर, एक साथ इतने वाहनों में कहाँ छोड़ना, कहीं ना कहीं ये बात इन दोनों के पास से रात नहीं आ रही है, क्या लगता है इनके साथ हो रही है? इसमें आगे विवेचना की जा रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें छुपा रहे हैं और खोलने का प्रयास। सर, इस घटना के बाद जिस तरह से माहौल शहर में बना था, कहीं ना कहीं सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने की पूरी संभावना पैदा हुई। हिंदूवादी संगठनों ने इसका उनका किसी एक पक्ष पर वर्ग विशेष पर आरोप लगाया था, क्या उनको भी कार्रवाई करने के लिए या विवेचना के पहले किसी पर आरोप लगाना गलत है और ऐसी प्रथा बंद होनी चाहिए और इस पर भी मैं कानूनी राय ले रहा हूँ। सर, ये जो क्राइम था बड़ा ब्लाइंड टाइप का था और इस तरह से पुलिस को भी मदद मिली और इस तरह से आरोपी जो कैसे हुआ? इसमें जो मंदसौर मीडिया है इसने काफी जो है सहयोग दिया और माहौल को बिल्कुल बिगड़ने नहीं दिया, साथ ही हमने मीडिया के द्वारा और प्रेस के द्वारा जो है उनका वीडियो फुटेज जारी किया और रेकी करने के बाद पुलिस ने यह डिसाइड किया कि किस एरिया से आए होंगे और उस एरिया में जो है जो हमारे जो सहयोगी हैं उनको लगाया गया और उनके थ्रू ही पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई कि ये दो लड़के हो सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज और प्लस अभिनंदन नगर के एरिया से पुलिस ने जीरोइंग कर लिया था कि इसी एरिया से लड़के आए होंगे, तो दोनों के सहयोग से ही इन्हें पकड़ा। अभी और पूछताछ की जा रही है, अगर ऐसा कुछ भी बैकग्राउंड मिलेगा तो। शहर में चर्चा है कि अनिल सोनी ने पूरा घटना को अंजाम दिलवाया, आप किस वजह से देखते हैं? क्योंकि अनिल सोनी जिस तरीके से भयमुक्त शहर में वातावरण की बात करता है, क्या लगता है? इस पर इनसे पूछताछ की जा रही है और अगर किसी की संलिप्तता पाई जाएगी तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। आंदोलन के दौरान बताया अभी कि 30 लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। जो किसान आंदोलन के दौरान तोड़फोड़ हुआ था उसमें जो अफीम के अवैध व्यापार में जो लिप्त हैं उनको उनकी सूची तैयार की जा रही है और लगभग 30 नाम ऐसे सामने आए हैं और उनके ऊपर पुलिस ने 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया है।